दोस्तों नमस्कार, जय जवान जय किसान। हम आए हुए हैं सुल्तानपुर। हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि साइडरिंग लग चुकी है और वायरिंग हो गई है और सरिया बिछ गया। इसके बाद हमारी मशीन आ चुकी है, आपको दिखाते हैं आज ढलाई कैसे होती है। ढलाई के बारे में बताएंगे, वायरिंग के बारे में बताएंगे और कैसे क्या होता है। देखिए हमारा मशीन आ चुका है, ये रही हमारी थैलियाँ। इससे नीचे से जो है कंक्रीट जो है बनाते हैं, मिक्सर द्वारा जो है ऊपर आता है, उसमें से डाल के उसको ले जाके गिराते हैं। इसके बाद हमारा वायरिंग जो है हो चुकी है। ये हमारे मिस्त्री हैं जो कि इसका जब कंक्रीट पड़ जाती है इसका लेप लगा के जो है उसको फिनिशिंग करते हैं, लेबल निकाल लिया जाता है। और कितने लोगों को नहीं पता होगा लेबल कैसे निकलता है। लेबल निकालने के लिए जो है एक पाइप लाई जाती है, पाइप में हम लोग पानी भर लेते हैं, पानी भर के उसको दोनों का बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद जो है हम अपना एक ठिया बना लेते हैं, उसके बाद से लेबल निकाल लेते हैं। दोस्तों मेरा लेबल जो है इसमें निकल चुका है, आप देखेंगे तो मेरा फुल लेबल हो चुका है। लेबल के बाद जो है अब हम वायरिंग का काम कर दिए हैं। वायरिंग में जैसे देखिए एक कंसील्ड हो गया, अब एक कमरे में जो है चार कंसील्ड डालते हैं। इससे होता क्या है कि जो है नीचे लाइट जो है बराबर जलती है। अभी इसी को जो है थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाएगा, सेंटर ख़राब हो जाता है। तो इसको जो है हम नाप के डालते हैं, नाप के निकालते हैं, जिससे अगर एक दो फुट हो रहा है तो दो इधर भी होना चाहिए और दो जो है इधर भी होना चाहिए। इससे क्या है ये नीचे जाके कोई दिक्कत ना करे, नहीं तो ये पता लगा एक इधर हो गया एक 6 इंची आउट हो गया, तो हमारा नाप जो है चारों का बराबर है। इसके बाद बीच में हम फैन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं फैन बाक्स। फैन बाक्स लगाने के बाद जो है ये सारा चीज़ हो गया। इसके बाद नीचे जब खुले उलेगा तो देखेंगे तो इसमें लगाएंगे फैन। ये सारी व्यवस्था जो है इसमें चलती रहती है। आज आपको एक चीज़ और बताएंगे, इसमें क्या होता है। आप तो काम करा लेते हैं, काम कराने के बाद कुछ लोग इसमें कमी कर देते हैं। कमी में क्या है, आपको अनुभव होना चाहिए। घर बनाने से पहले अनुभव ज़रूरी है। अनुभव रहेगा जैसे आप लेबल देख लिए और सरिया देख लिए। जैसे ये सरिया बंधी हुई है, ये सरिया छोटी थी, इसमें हम जो है 4 फुट का सरिया काट के बढ़ाए हैं। ये चीज़ गलत है, क्यों? इसलिए कि इसमें जो है जब हम लगाते हैं तो इसमें जो है इसको यल करके जो है इसमें बांधते हैं। यदि ये आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप नहीं सक्षम हैं, तो आप जो है एक टाका वाले को बुला लीजिए। वो टाका मशीन लेके आएगा, आपको इलेक्ट्रिक देना पड़ेगा या तो जनरेटर देना पड़ेगा। वो टाका मार के इसमें जब कर देगा तो इसमें जो है अपना बजट जो है सरिया कम लगती है। जैसे यहाँ हमारा जो है 6-9 इंच जो है हमारी सरिया ज़्यादा जा रही है, नहीं तो हमारा टाका इसी पे लग के बढ़ जाता, हमारा 9 इंची सरिया और बच जाती। ठीक, थैंक यू।